उधर गाजा में लड़ रही इसराइल की फौज को हमास ने अब तक की सबसे बड़ी चोट दे डाली। इसराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने एक झटके में इसराइल के 21 सैनिकों को मार गिराया और खुद इसराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की। इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमास के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। इसराइल के मीडिया के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब इसराइल के वो सैनिक गाजा में एक इमारत को उड़ाने के लिए उसमें बम लगा रहे थे। दावा किया गया कि इसी दौरान वहां हमास के लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर की मदद से जोरदार धमाका कर दिया, जिसकी वजह से वो इमारत इजरायली सैनिकों के ऊपर ही गिर गई और इमारत के नीचे दबने से 21 सैनिकों की मौत हो गई। इसराइल की मीडिया के मुताबिक गाजा पर हुए हमले के बाद इसराइल की फौज को एक दिन में ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ और इसके साथ ही हमास के हमलों में जान गंवाने वाले इजरायली सैनिकों का आंकड़ा 550 को पार कर गया। लेकिन इस झटके के बाद भी इसराइल के तेवर ढीले नहीं पड़े। 21 सैनिकों की मौत बाद तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने गाजा में हमास के खिलाफ जारी हमलों को और तेज करने का आदेश दे दिया और इसके बाद तो इसराइल की फौज ने गाजा के कई इलाकों पर एक साथ कहर ढा दिया। भयंकर धमाकों ने लोगों को खौफ से भर दिया। गाजा के खान यूनिस इलाके से आई तस्वीरों में दिखा कि एयर स्ट्राइक के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने उत्तरी गाजा के जबालिया से लेकर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके तक जोरदार हमले किए। इसराइल ने इन हमलों में हमास के दर्जनों ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया, लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर इसराइल पर आम लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसराइली हमलों के दौरान एक दिन में 170 से ज्यादा बेकसूर लोगों की मौत हो गई।